डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। यस, वीकली करंट अफेयर ये सिलसिला रहेगा जारी क्योंकि इससे हैं कई फायदे। मेरे सभी स्टूडेंट को किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत हेल्प करता है, ना ही कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेकिन पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, क्योंकि ये एक चलचित्र जैसा है, रंगीन फीचर फिल्म। और जो आप किताबों में पढ़ते हैं जिसको स्टैटिक हम कहते हैं, वो एक स्टिल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है। तो ये आपको बताता है कि वर्ल्ड और इंडिया की पॉलिटिक्स घटनाएं कैसी दिख रही हैं, और तब आप रिलेट कर पाते हैं जो आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड थॉट, उससे आप रिलेट करते हैं कि एक्चुअली कैसे घटित होती है पॉलिटिक्स रियल जीवन में। इस बार हम शुरू कर रहे हैं इसमें एक नया अध्याय, वो है जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के 2023 में, जून में जो एग्जाम होगी उसको मैं खोजता हूँ वीक पर, और उस पर थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करेंगे जो प्रीलिम्स लेवल के लिए रिक्वायर्ड है। सो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर 10 से 17 सितंबर के बीच की घटनाओं का, और विथ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करे शुरू, ये बताना मेरा कर्तव्य है कि यदि आप DUET एग्जाम आपके सामने है या UGC नेट का एग्जाम जो अभी होने वाला है, तो ये दो किताब जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। थर्ड किताब जो है UGC नेट की गाइड जो मैंने यहाँ नहीं दिया है, वो भी आप ले सकते हैं जो इंस्टा मोजो पे अवेलेबल है। वो प्योर PDF फॉर्म में है, ये PDF रिप्लिका है और ये किंडल वर्सन है। ये दोनों amazon.in पे अवेलेबल है, जहाँ आप जस्ट पॉल साइंस हेल्प, आपको अब ये तो याद हो गया होगा, इसको यदि आप लिखते हैं तो आपको कोई लिंक नहीं चाहिए होता, सभी बुक वहां दिखते हैं। आप उसको वहां से वन क्लिक में परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके, और किंडल ऐप पे इसको आप पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करे शुरू, एक पिक्चर देखिए कैसा दिखता है। इस वीक में इंटरनेशनल लेवल पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 22वीं बैठक थी समरकंद में, उसकी रही मची धूम। उस पर मोदी जी गए और वहां पे जी जिनपिंग भी आए थे, पुतिन आए थे, पाकिस्तान के भी PM आए थे, शहबाज शरीफ, यस। तो काफी चर्चा थी कि क्या 1-to-1 चाइना इंडिया के बीच बात होगी। उसके पहले कुछ डी एस्केलेशन भी हुआ था बॉर्डर पे, उनकी सेना गलवान वैली में चाइना की पीछे हटी थी, तो कुछ आशा जगी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया में तो हम लोग समरकंद में जो 22वीं समिट हुई, इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, रिकॉल करेंगे, इंपॉर्टेंट है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इंडिया में धूम रही चीताओं की, जो मंगवाए गए एक स्पेशल प्लेन से, हवाई जहाज से, बोइंग 787, जिसको चीते का रूप दिया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो फोटो मैंने दिया है। 8 चीताओं को नामीबिया से लाया गया और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। इंग्लैंड में जो क्वीन के कॉफिन को देखने के लिए जो लंबी 8 किलोमीटर की भीड़ उमड़ी, वो भी जो है इंटरनेशनल न्यूज में छा रहा है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं। और यूक्रेन किस तरह से दबा रहा है रसिया को, ये भी जो है न्यूज में छा रहा कि अब यूक्रेन की बारी है। उसने खार्किव पे लगभग जो है उसको छीनने का काम किया और अब और ऑफेंसिव वो कर रहे हैं। ये सब न्यूज जो है इंडिया विश्व में और इंडिया में छाई रही। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन आंसर के थ्रू इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि 22वीं समिट जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की कहां पे हुई, कब हुई, ये मैं पूछ रहा हूं। आपको मैंने बता ही दिया, यदि आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। इससे पहले आप ये समझिए कि इस तरह के वीडियो को कैसे देखा जाता है। यदि पहली बार आप देख रहे हैं, आपको करना चाहिए पॉज बटन वीडियो पे, उसके बाद आपको खुद ही क्वेश्चन को हल करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि सर ने किस पे टिक मारा, और फिर ये जो पीली में है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और फिर तब आगे बढ़ना चाहिए। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 22वीं समिट थी, वो होती है, समिट किसको कहते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जब मिलते हैं तो उसको समिट कहते हैं। बीच बीच में फॉरेन मिनिस्टर एंड अदर जो डिग्निटरीज होते हैं वो मिलते रहते हैं। सो 15 से 16 सितंबर समरकंद। अब समरकंद कहाँ है? समरकंद जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल और एंशियंट शहर है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान कहाँ है? वो सेंट्रल एशिया में है, जहाँ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब पांचों कंट्री हैं जो पहले एक समय में USSR का पार्ट होता था, जिसको कि रसिया अभी भी नियर अब्रॉड कहता है। हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से हम तेल
और गैस जो है वहां से हम लेते हैं, और तापी जो है पाइपलाइन भी वहां से गुजरने का प्लान है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान से हमारा बहुत पुराना नाता है बहुत तरीकों से। एक तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद जो उसकी राजधानी है वहां पे लाल बहादुर शास्त्री गए थे 1965 के वॉर के बाद, और जनवरी 1966 में उनका वहां देहांत हुआ था जिसपे की काफी बवेला भी मचा था। इसके अलावा समरकंद से भारत का एक और बहुत इंटरेस्टिंग संबंध है। तैमूरलेन जो कि इंडिया में जिन्होंने 1398 में दिल्ली में कत्ले आम मचा दिया था, वो लंगड़े थे इसलिए उनको तैमूरलेन कहा जाता है, तैमूरलेन विकलांग थे लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन हम लोगों के लिए एक आतताई जिन्होंने दिल्ली में कत्ले आम मचाया था। वो तैमूरलेन ने शादी किया था जो चंगेज खां थे उनके बेटियों से किसी तरीके से, तो इसीलिए वो वहां के दामाद हो गए थे मंगोल खानदान के, और उनके जो वंशज थे तैमूरलेन फादर साइड से और मदर साइड से चंगेज खां, वो थे मुगल्स, मुगल क्योंकि मंगोल्स ये कहते थे मुगल्स, तो मुगल का हमसे क्या नाता है। तो समझ सकते हैं कि समरकंद कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी समरकंद में जो है 15-16 सितंबर को होती है SCO की बैठक। SCO की क्यों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके जो मेंबर हैं, जरा उसको पहले गौर कीजिए, इसके मेंबर हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, बाद में उज्बेकिस्तान बनता है, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन करते हैं, और ईरान जो है अब ज्वाइन करने के कगार पर पहुंच गया है, 2023 में वो ज्वाइन कर लेगा जबकि इंडिया चेयरमैनशिप ले रहा है। आप इसके मेंबरशिप को देखिए तो सेंट्रल एशिया एक तरफ, चाइना और रसिया और इंडिया और पाकिस्तान, ये वन ऑफ द सीरीज ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, चाइना, रसिया एक साथ खड़े दिखते हैं, और अब ईरान के आने से बिल्कुल ये एंटी यूएसए गैंग जैसा दिखता है। यूएसए को इससे कितनी तकलीफ हो सकती है आप इसका अंदाज लगा सकते हैं, और इंडिया को कितना लिवरेज मिलता है क्योंकि इंडिया दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया, एक तरफ वो क्वाड, IPEF और I2U2 का मेंबर है जो यूएसए लेड है, और दूसरी तरफ जो है वो चाइना रसिया के साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन में है, हम आपको आगे और उस पर बताएंगे। इन सब को पढ़ लीजिएगा SCO के बारे में। विच कंट्री इज लाइकली टू ज्वाइन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023? अभी मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरान उसका 9th मेंबर के तौर पे ज्वाइन कर लेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है 2023 में जब इंडिया चेयरमैन बनेगा, जो मैं यहां पूछ रहा हूं विच कंट्री इज लाइकली टू टेक ओवर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ SCO इन 2023, और वो है इंडिया। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया G20 का भी प्रेसिडेंट बन रहा है, तो दो दो जो इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ग्लोबल G20 और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैनशिप इंडिया के पास आने वाला है बहुत जल्द ही। यहाँ ईरान के मेंबर बनने से देखिए कि अमेरिका को और कितनी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ईरान और चाइना उसके लिए आंख की किड़किड़ी है, और साथ में रसिया भी, तो इंडिया यदि इन सब के साथ दिखता है तो हमारी रिलेशन पे थोड़ा आंच तो आ सकता है, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि इंडिया को आप बांध नहीं सकते, इंडिया का अपना इंटरेस्ट है, और इंडिया को इससे एक लीवर मिलता है, मतलब एक प्लेइंग स्पेस मिलता है अमेरिका को कि भाई यदि आप मेरी नहीं सुनोगे तो मेरे पास में चाइना और रशिया के पास भी जाने का ऑप्शन है। विच फेमस टेनिस प्लेयर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली? आप इसको देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ टेनिस प्लेयर जिन्होंने, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 20 जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ग्रैंड स्लैम जो है चार जो बड़े टेनिस के खिताब होते हैं, जो शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर यूएस ओपन और विंबलडन, विंबलडन पहले हो जाता है यूएस ओपन से, ये चार को ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, और उसको उन्होंने 20 बार जो है खिताब लिया है, सोचिए जरा। और सबसे ज्यादा जो है राफेल नडाल ने 22 बार लिया है, और नोवाक जोकोविक ने 21 बार। ये तीनों जो ट्राइका है, तिलंग है, आप कह लीजिए राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक एंड रोजर फेडरर, ये एक ही टाइम में तीनों खेल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत एक तरह समझिए कि बहुत ही गर्व का विषय है, और हम लोग बहुत लकी हैं कि इन तीन ऑल टाइम महान गोट जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसको हम लोग तीनों गोट को एक साथ देख रहे हैं। उसमें से एक रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के थे, उन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी। रॉजर फेडरर एक बहुत ही अच्छे इंसान भी ये हैं, ये केवल टेनिस खिलाड़ी नहीं, आप इनको देखेंगे हमेशा मुस्कुराते हैं, कभी ये कोर्ट पे झगड़ा झंझट करते नजर नहीं आए हैं, और इन्होंने सिंगल टाइटल जो है 103 जो है इन्होंने चैंपियनशिप जीता है, जिसमें से 20 जो है ग्रैंड स्लैम है। रॉजर फेडरर को हम लोग इस वीडियो के थ्रू सलाम करते हैं।
विच टेनिस प्लेयर वॉन द यूएस ओपन रिसेंटली? अब ये एक नए उभरते हुए सितारे हैं, स्पेन के हैं, इनका नाम है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज के महज 19 वर्ष के हैं और इसी कंट्री के जो है राफेल नडाल भी हैं, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता, आपने देखा अभी। और वहां के कंट्री मैन को अब नया उभरता हुआ एक सितारा मिला है अल्काराज के रूप में, और ये यंगेस्ट यूएस ओपन टाइटल जीतने वाले हैं। इससे पहले पीट सैंप्रास ने 19 ईयर्स में जीता था 1990 में, और राफेल नडाल ने भी 19 वर्ष में जीता था। तो ये तीसरे ऐसे बन गए हैं और यंगेस्ट यूएस ओपन को जीतने वाले कार्लोस अल्काराज, जिसके बारे में आगे आप संभावना है कि बहुत ज्यादा सुनेंगे। यहाँ ये यूएस ओपन की ट्रॉफी को उठाए हुए। अब ये जरा गुंबद देखिए, ये कमल के फूल जैसा दिखता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस स्ट्रक्चर इन श्रीलंका? ये कोलंबो में एक कैनाल देख रहे हैं या रिवर है, उसके किनारे में 350 मीटर ऊंचा जो है गुंबद दिखता है, इसका नाम क्या है? क्या ये चाइना टावर है, लोटस टावर, व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट टाइगर है? ये लोटस टावर कहलाता है। ये लोटस टावर अभी क्यों न्यूज में आ गया? ये गलत कारणों से न्यूज में आ गया, क्योंकि राजपक्षे तो भाग गए। अब आपको पता है कि उन्होंने कहा इंडोनेशिया में जाके उन्होंने सिंगापुर में शरण लिया था, तो वो तो मतलब एक न्यूज बन गई कि वो भाग गए श्रीलंका से, और किस तरह बर्बादी कगार पे ला करके और कैसे वहां पे जो है पूरी अराजकता छाई, आपको सब पता है। अब उनके एक कारनामा के रूप में इसको देखा जाता है, व्हाइट एलिफेंट के रूप में, सफेद हाथी के रूप में। चाइना से कर्जा लेके मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके उन्होंने जो है ये बनाया लोटस टावर। ये एक तरह का कम्युनिकेशन टावर, जैसे एफिल टावर है पेरिस में, और उसको इसी तरह बनाया था कि एफिल टावर की तरह पूरी दुनिया के लोग इसको देखने आएंगे। लेकिन ये मतलब एक वर्षों से ज्यादा से बंद पड़ा हुआ था, इसका खर्चा नहीं निकल रहा था, तो अभी इसको खोल दिया गया है पब्लिक के लिए भी और इसको ऑपरेशनल बनाया गया है। इसको एक नमूने की तरह देखा जाता है कि किस तरह बर्बादी से पैसे को खर्च किया जाता है, ऋण लेकर के, लोन लेकर के कैसे आप पैसे को उड़ाते हो और फिर जो है अपने कंट्री को बर्बादी कगार पे पहुंचा देते हो। जो चरवाक की जो फिलॉसफी है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, मतलब कि लोन लेके घी पियो, मतलब उस तरह की नीति को अपना के राजपक्षे ने कैसे अपने कंट्री को बर्बाद किया, उसका लोटस टावर एक एग्जाम्पल है। रिसेंटली इंडिया बैक्ड आउट फ्रॉम वन ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये बहुत न्यूज में रहा। IPEF, पता है आपको, कुछ महीने पहले मैंने अपने वीडियो में काफी बताया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये अमेरिका ने लॉन्च किया था, जिसमें चार पिलर होते थे, मतलब चार उसके जो है स्तंभ थे, एक ट्रेड है, एक सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, फिर क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, मतलब कि एंटी करप्शन। इंडिया ने भी डिसाइड किया कि हम ट्रेड पिलर से अपने को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर, ट्रेड और इन सब को सब्सिडी को लेके काफी इंडिया के WTO में भी विरोध है वेस्टर्न कंट्री से, तो उसके चलते इसको कई लोग इंडिया में एक धक्का भी मान रहे हैं कि इससे इंडिया को थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि उससे ट्रेड में यदि शामिल होता तो व्यापार यहाँ पे बढ़ता। लेकिन इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के सही फैसला किया होगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे बाकी भी मैंने दिया, SCO के बारे में मैंने बताया, क्वाड जो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA इसका मेंबर है, और ईस्ट एशिया समिट जो है इसका भी इंडिया एक मेंबर है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ दीज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन विच चाइना एंड रसिया आर ऑल्सो मेंबर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए कि अभी चाइना, इंडिया, रसिया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ दिखते हैं। एक है RIC, RIC के बारे में यहाँ दिया है, रसिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग, RIC ग्रुपिंग कहते हैं, जो 1998 में बना था। अब इसका क्या पर्पज था ये सब देख लीजिए, इसमें तीन ही मेंबर हैं, रसिया, इंडिया, चाइना। दूसरा संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। देन है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF, जिसकी अभी व्लादिवोस्टोक में बैठक हुई थी, उसमें भी मोदी जी ने संबोधित किया था। ये रसिया के द्वारा फ्लोटेड है, EEF जो है फार ईस्ट रसिया में, वहां इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा ब्रिक्स में भी तीनों जो है एक साथ दिखते हैं, तो ये सब ऑल ऑफ द अबव सही है। और ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो जरा दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। एक खेमे में जो है USA लेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंडिया मेंबर है, लाइक क्वाड, IPEF, I2U2 एंड ऑल, उसमें सैन्य एक्सरसाइज भी करता है, मालाबार एंड अदर्स, इंडिया US का न्यूक्लियर डील भी है, इंडिया के लोग सबसे ज्यादा अमेरिका में नौकरी करते हैं, वहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी, एक तरफ अमेरिका के तरफ भी इंडिया काफी झुका हुआ है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन पूरे दुनिया में फैला। दूसरी तरफ लेकिन जो पुराना इसका टाई है रसिया से, उसको भी ये नहीं छोड़ रहा है, और इन सब ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन रसिया और चाइना बहुत क्लोज आते जा रहे हैं,
और इसीलिए और एक समय में ये सब बॉर्डर जब डिस्प्यूट बीच में दब गया था, वुहान स्प्रिट जब हुई थी 2018 में, तो उस समय में मोदी और जी जिनपिंग में काफी ज्यादा बोनहोमी हुई थी। तो चाइना के साथ भी हम काफी सारे मामले में खड़े दिखते थे, WTO में क्लाइमेट चेंज एकॉर्ड जो होती थी या बहस उस पर हम लोग, या एनर्जी के पैमाने पे हम लोग मिल के बिडिंग करते थे। तो इंडिया चाइना रसिया का जो ये ट्राइका है ना, ये बड़ा ही मजबूत जैसा, यदि ये इसमें हो जाता है एक और इंडिया चाइना अपनी यदि बॉर्डर डिस्प्यूट को हटा लेते हैं, तो ये जो है वेस्टर्न यूरोप और यूएसए का जो कम्बिनेशन है उससे ज्यादा बड़ा पावर बन सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक है और इंडिया दोनों पांव में अभी अपना दोनों नाव में अपना पांव रखे हुए, इस चीज को जरा गौर कीजिए और इससे उसको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, ये बड़ा क्यूरियस न्यूज है, इंट्रीगुइंग न्यूज है। इंट्रीगुइंग का मतलब ये होता है कि बड़ा ही उत्सुकता भरा, इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि कौतूहल है ऐसा क्यों हुआ। देखिए अभी न्यूज निकली थी कुछ महीने पहले, मैंने बताया था कि चाइना को पछाड़ के यूएसए जो है वो नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर नेशन हमारा बन गया। अभी फिर न्यूज आई कि नहीं, चाइना ने फिर यूएसए को पछाड़ दिया और वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा बन गई। चाइना हमेशा से पिछले कुछ सालों से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रही है, लेकिन अभी हाल के दिनों में यूएसए ने उसको पछाड़ा था। तो नंबर वन पे अब हो गई है, चाइना नंबर टू पे है, यूएसए नंबर थ्री पे है, यूएई, और चौथा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, और ये बन गया है सऊदी अरेबिया। तो ये चौथा नंबर पे है, इन चारों कंट्री को जरूर याद कीजिए। और ये देखिए, यही हमारे लिए व्यापार के पर्सपेक्टिव से देखें तो चार सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो है चाइना, यूएसए, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया है। ये मैं पिछले वीक का क्वेश्चन आपको छोड़ जाता हूं, क्योंकि ये इस वीक की खबर है कि देखिए कैसे 8 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, 16 घंटे लोग इंतजार करके क्वीन के लास्ट दर्शन के लिए जो है अपने रानी को देखने के लिए इंग्लैंड में लोग खड़े हो गए। तो इससे बहुत कुछ वहां के कल्चर के बारे में पता चलता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि न्यू मोनार्क कौन है यूके का, वो है चार्ल्स थ्री, जो चार्ल्स एक और दो हिस्ट्री में बने थे। चार्ल्स एक की बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी, मैंने पूरी कहानी आपको पिछले वीक बताई थी, सिविल वॉर जो यूरोप में इंग्लैंड में हुआ था, जिसके बेसिस पे हॉब्स ने अपनी लवाइथन लिखी थी, उसमें चार्ल्स वन का जिक्र पाया जाता है, और चार्ल्स टू जो है उनके बाद राजा बने थे। तो ये दोनों बहुत सुखद नहीं रहा है, आई होप कि चार्ल्स थ्री का जो है राजकाज वो ज्यादा सुखद होगा। इन दोनों क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ जाता हूं इंटरनेशनल रिलेशन को, कि ब्रिटिश मोनार्क इज ऑल्सो द मोनार्क ऑफ हाउ मेनी कंट्री, ये 14 कंट्री के मोनार्क होते हैं, ये कंट्री पढ़ लीजिए। इन कंट्री को कॉमनवेल्थ रियल्म ऑफ नेशन कहा जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री भी, और बहुत सारे कैरिबियन नेशन भी हैं। अब आइए इंडिया के खबर पे एक नजर डालते हैं कि पूरे वीक में कैसा दिखता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहले इन व्यक्ति को पहचानिए, देख के आप काले कोट में पहचान पा रहे होंगे कि वकील हैं। तो ये इनका नाम है मुकुल रोहतगी, और ये क्या है, क्यों अभी न्यूज में है? ये न्यूज में इसलिए हैं कि ये के वेणुगोपाल के बाद इंडिया के नए जो हैं अटॉर्नी जनरल बनने वाले। इट इज लाइकली टू बी द नेक्स्ट AG, 1 अक्टूबर से ऐसा कहा जा रहा है कि इनको चुन लिया गया है, और ये एक तरह से AG डेजिग्नेट है। AG जो है आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल इंडिया का पहला लॉ ऑफिसर होता है, टॉप लॉ ऑफिसर, जिसको बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और उनके नीचे AG के नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल, जो अभी तुषार मेहता है। तो मुकुल रोहतगी के बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये पहले भी AG रह चुके हैं, तो ये दूसरी बार AG बन रहे हैं। फ्रॉम विच, यहाँ एक और बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, अभी CUET में भी पूछा गया था कि AG जो है, या और किसी एग्जाम में, कि AG एकमात्र ऐसे अधिकारी कह लीजिए या ऑफिसर होते हैं जो कि पार्लियामेंट के कमिटी में और पार्लियामेंट के जो डिबेट में भाग ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, केवल वोट नहीं कर सकते। फ्रॉम विच वायरल डिजीज कैटल इन इंडिया है डाइड इन लार्ज नंबर, अभी 70,000 के आसपास जो है हमारे यहाँ गाय मरी हैं, बहुत ही दुखद है, और उससे हमें बहुत नुकसान हुआ हजारों करोड़ रुपए का, और ये वायरस का नाम है लंपी स्किन डिजीज, LSD शॉर्ट में कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गाय कैसे इस बीमारी से पीड़ित होती है, एक वायरल डिजीज है जिसके लिए कि सरकार बहुत चिंतित है, सबसे ज्यादा राजस्थान में इससे गाय मरी है। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज ब्रॉट 8 चीता, अब यहाँ पे देखिए जो चीता तो पूरे वीक भर छाया रहा, बहुत बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, TV डिबेट में तो आपको पता लग गया होगा, लेकिन धीरे धीरे आप सब भूल जाएंगे
और दो बातें आपको याद रखनी है इसमें कि ये किस कंट्री से लाया गया, तो वो लाया गया नामीबिया से। पहले साउथ अफ्रीका से लाने का प्लान था लेकिन वो नहीं हो पाया। यहाँ देखिए ये विमान को कैसे जो है चार्टर्ड विमान को एक चीते का रूप दिया गया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी में 8 चीताओं को लाया गया। चीता ऐसे होते हैं, आप सोचते होंगे चीता के बारे में बता रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों से बात किया तो कई लोगों को चीता, बाघ और शेर इन सब में फर्क भूल जाते हैं जब लोग बड़े होते हैं। तो चीता जो है वो पिचित कपड़ा इस टाइप के डॉट 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 होते हैं, इससे वो बाघ से अलग होते हैं, इसको बिग कैट कहा जाता है। और चीता के बारे में एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अर्थ पे सबसे तेज भागने वाला जो मैमल है वो चीता है, इससे ज्यादा कोई तेज नहीं दौड़ सकता, बाघ और शेर भी इससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते हैं। चीता के बारे में एक और बात जान लीजिए, इंडिया में 1970 के दशक में चीता विलुप्त हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था, मतलब अब चीता यहाँ नहीं पाया जाता था। तो एक बार फिर से चीता को इंडिया में लाने का प्रयास है इस 8 चीताओं को। और इनको कहाँ लाया गया है ये मैं इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, ये है कूनो नेशनल पार्क जो MP में है, वहां पे इनको स्थापित किया गया। यदि ये बच जाते हैं और ब्रीड करने लगते हैं तो एक बहुत अच्छी बात हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए होगी, हम लोगों के लिए होगी कि यहाँ चीता फिर से पुनर्वासित हो जाएंगे, और भी चीता को लाने का प्लान है। रिसेंटली वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ, दूध दुग्ध का समिट हुआ, वो कहाँ पे किस टाउन में हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ अंदाज भी लगा सकते हैं क्योंकि यूपी के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ में, तो ये नोएडा में हुआ था। तो इसको आप कहीं पूछा जा सकता है वो किसी एग्जाम में। इसमें जो है लंपी स्किन डिजीज पे भी काफी चर्चा हुई थी। ये मैं छोड़ जा रहा हूं आपको इस यहाँ पे इसमें कि न्यू नेम जो राजपथ का था, जो रोड जो लीड करती है, इधर इंडिया गेट है, यहाँ देखिए इंडिया गेट, और इस साइड में जो नहीं दिख रहा है राष्ट्रपति भवन है। इस रोड को पहले राजपथ कहते थे, अब उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए, यहाँ पे आप ऐसे लग भी लगा सकते हैं 2023 के लिए। ये हर वीक मैं कोशिश करूंगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर वीक एक क्वेश्चन ढूंढ ही पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन जो आने की संभावना हो मेरे अनुसार से आएगी कि नहीं, लेकिन मैं गेस करता हूं, और उस पर थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे उस लेवल की जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए चाहिए होती है। तो चलिए चर्चा करते हैं 3 इशू पे। पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ONDC पे। ONDC के बारे में यहां 4 स्टेटमेंट, अभी जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स लेवल का बनाया है, मतलब इसी लेवल का आपको क्वेश्चन आएगा। तो ONDC के बारे में 4 जो है इस पे इंफॉर्मेशन है, पढ़िए। इट प्रोवाइड्स ए ओपन प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया। ये क्या सही है? ई कॉमर्स जायंट्स लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट वेयर फर्स्ट टू गेट ऑन बोर्ड ऑन ONDC। क्या ये सही है? ONDC विल डेमोक्रेटाइज डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम एंड मूव इट फ्रॉम प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू एन ओपन नेटवर्क मॉडल। ONDC इज लॉन्च्ड बाय यूनियन IT मिनिस्ट्री एज एन ऑटोनोमस बॉडी। अब जब इसको पढ़ेंगे, मैं जल्दी कर रहा हूँ, बहुत इस पर आप कंफ्यूज करेंगे क्योंकि इसी लेवल का पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन भी ऑप्शन भी आपको घुमा फिरा के रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो कि ONDC जो है ये यूनियन IT मिनिस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसको जो है किया है, पहले तो ये गलत हो गया। और ये ऑटोनोमस बॉडी भी नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर लेड नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर ONDC को खोला गया है। तो 4 को हटा दीजिए, 4 इसमें है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे इट प्रोवाइड्स ए ओपन प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया, ये सही है, 1 सही है। ई कॉमर्स जायंट्स लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट वेयर फर्स्ट टू गेट ऑनबोर्ड, नहीं, अभी तक ये ऑनबोर्ड नहीं हुए हैं और ये चाहते भी नहीं ऑनबोर्ड होना, ऑब्वियस रीजन, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो 2 भी काट दीजिए, तो 2 इसमें है वो भी कट गया। अब या तो 1 सही होगा या 1 और 3 सही होगा। 3 को देखते हैं, ONDC विल डेमोक्रेटाइज डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम एंड मूव इट फ्रॉम प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू एन ओपन नेटवर्क मॉडल, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका जो है सही है। इसका जो फुल फॉर्म जो है मतलब ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा, डिजिटल या ई कॉमर्स, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ONDC। अब ये है क्या जरा सा समझिए, बेसिकली जो है ये, आगे मैं डायग्राम से भी बताऊंगा कि ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म देता है जिसपे कि आप मतलब एक यूजर जो है वो सभी ई कॉमर्स कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकता है। और अभी क्या होता है कि जब आपको जियो मार्ट के सामान खरीदने हैं तो आप जियो मार्ट का ऐप डाउनलोड करते हैं, इस तरह हर कंपनी ई कॉमर्स का अलग अलग ऐप डाउनलोड करते हैं आप, और हर का अपना अलग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाते हैं, वहां सेलर जुड़ते हैं। यदि ONDC कंप्लाइंट होंगे तो आप, ऐसा होगा कि किसी भी, आप रिलायंस जियो पे जाएंगे ना तो वहां रहेगा कि आप ONDC चुन सकते हैं। यदि आप ONDC चुनेंगे, मान लीजिए आपने ONDC चुन लिया, तो वहां पे आपको सारे
अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट जितने हैं सबके आपको जो है प्रोडक्ट दिखेंगे, और उन प्रोडक्ट को आप चूज करेंगे तो उनके सबके सेलर दिखेंगे, आप कोई भी सेलर चुन सकते हैं। और ये ओपन प्लेटफॉर्म होगा, ये किसी एक ट्रेडर के प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से नहीं जाएगा, और फिर सेलर के पास ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर वो कॉमन प्लेटफॉर्म से आपके यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक तरह का डेमोक्रेटाइज कर देगा जो यहाँ लिखा है डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम को इंडिया में, ONDC। लेकिन इसके लिए सभी को ऑनबोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि आप अमेजन पे जाएं तो वहां आपको ONDC का आइकन दिखना चाहिए। इसी तरह अभी केवल पेटीएम मॉल ने इसको अपनाया है, तो वहां आपको ONDC दिखेगा। अब आगे देखिए ONDC के बारे में और समझ सकते हैं। आगे देखिए, ये मैंने ऑनलाइन ऑफकोर्स लिया है, यहां से आप देख सकते हैं। ये अभी का जो मार्केट प्लेस है वो इस तरह है कि आप बायर हैं तो बायर प्लेसेज एन ऑर्डर ऑन द बायर साइड इंटरफेस। आप अमेजन पे जाते हैं, यहां पे आप इंटरफेस आपको दिखता है amazon.in, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर जो है रिफ्लेक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन प्रोप्राइटरी नेटवर्क, उनका अपना नेटवर्क है, वो ऑर्डर वहां पे जाता है और सेलर को दिखता है, ऑर्डर रीचेस टू सेलर, सेलर जो रजिस्टर्ड है इस प्लेटफॉर्म पे उसको केवल दिखेगा, फिर वो आगे देखिए क्या होता है। वो बायर प्लेसेज एन ऑर्डर ऑन द बायर साइड इंटरफेस, इन कॉमर्स, नेट बैंकिंग, टेलको एंड पेमेंट यहां करता है, ऑर्डर प्लेस थ्रू ओपन, सॉरी ये तो मैंने आपको सॉरी मतलब वो जो पहले भी बताया वो तो हो गया नॉर्मल अभी जो होता है प्लेटफॉर्म। अब ONDC देखिए दो डायग्राम में है, यहां पे क्या है कि बायर जो है उसको सभी प्रोडक्ट सभी ई कॉमर्स का दिख रहा है, और बायर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है बायर साइड इंटरफेस ऑफ एनी ई कॉमर्स, मतलब हमने अमेजन को कर दिया ONDC के थ्रू, या नेट बैंकिंग किसी का भी ले लिया, कोई भी टेलकॉम का मैं रिचार्ज कर रहा हूं उसका ले लिया, कोई सर्विस ले लिया, जो जो ऑनबोर्डेड है। अब ये ऑर्डर रूटेड थ्रू एन ओपन प्लेटफॉर्म ONDC, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म मतलब कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो एक नेटवर्किंग होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन गुजरती है, उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो ओपन है, मतलब कि वो किसी का प्रोप्राइटरी नहीं है। ऑर्डर जो है वो डिस्प्ले होता है उन सेलर को जो सभी ई कॉमर्स ऐप से जुड़े हुए हैं, या MSME, FPO, सबको ये दिखता है ये ऑर्डर, और जिसको भी सेलर सेलेक्ट करेगा, बायर सेलेक्ट, कोई भी सेलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वो प्लेटफॉर्म पे हो, उसको ऑर्डर प्लेस करता है, और वो सेलर जो है आपको उस ओपन प्लेटफॉर्म से आपका वो ऑर्डर को भेजता है आप तक। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ये सभी सेलर को बायर से मिला देता है, सभी प्लेटफॉर्म को आपको एक कर देता है। ONDC में जैसे UPI में हुआ ना कि आप कोई भी UPI का जो स्कैन है उसको करके पेमेंट कर सकते हैं। इवन यदि आप अमेजन का देख रहे हैं तो आप पेटीएम से कर सकते हैं, पेटीएम का यदि है तो उसे आप अमेजन पे से कर सकते हैं। तो वो वही चीज ONDC करने का, जो UPI ने किया पेमेंट में, डिजिटल पेमेंट में, वही चीज जो है ONDC डिजिटल कॉमर्स में करना चाहता है। गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर, लेकिन इसकी राहें बहुत मुश्किल है। आप देखिए कब ये कैसे होता है, क्योंकि अमेजन फ्लिपकार्ट अभी तक इसका ऑनबोर्ड नहीं आया। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एक पोटेंशियल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है FATF भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। FATF के बारे में, FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको कहते हैं, ये बेसिकली एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो नजर रखती है कि टेररिज्म को कोई कंट्री फाइनेंस तो नहीं कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कंट्री के मनी लॉन्ड्रिंग एंड गलत ढंग का पैसा जो है वो जा रहा हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, अलकायदा को एंड अदर को। तो इसने अभी न्यूज में क्यों आया कि इस FATF ने जो है पाकिस्तान को एक ग्रे लिस्ट में रख दिया, मतलब कि संदेहास्पद लिस्ट में रख दिया, उससे ये न्यूज में आ गया, और पाकिस्तान कोशिश कर रही है उससे निकलने का, क्योंकि यदि FATF उसको नहीं निकालेगी तो उसको सैंक्शन लग सकता है, वहां काफी सारे व्यापार पे रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है उस कंट्री को। तो फुल फॉर्म नहीं, यहां मैंने गलत लिखा है, FATF के बारे में चार इसमें से हैं, इसमें कौन सही है, इट इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, ये सही है, ट्रू है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, तो ये सही नहीं है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, तो ये गलत है। FATF हैज पुट पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट, ब्ला ब्ला, ये तो मैंने पढ़ लीजिएगा, ये अभी मैंने बताया, ये ट्रू है। FATF वॉज एस्टेब्लिश बाई G7 नेशन 1989, ये ट्रू है। और FATF 15 कंट्री और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, ये गलत है, इसके जो 39 में मतलब मेंबर है जिसमें 37 कंट्री है और दो जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन, यहां मैंने दिया है, और उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये मीटिंग भी पेरिस में हुई थी G7 की। तो इसमें सही कौन कौन निकला, 1, 3 एंड 4, तो 1, 3, 4, तो इस तरह के इस लेवल का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आने की आशा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स लेवल का ऑप्शन नहीं दिया, इसी को और यहाँ पे ऑप्शन देके मैं टफ बना सकता था, लेकिन आपको बताना पर्पस था कि इसमें से जो
स्टेटमेंट है देखिए 81 बॉन्ड के बारे में। 81 बॉन्ड का फुल फॉर्म है एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स, एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स, टी स्टैंड फॉर टीयर, ए स्टैंड फॉर एडिशनल। तो एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ये बहुत अभी न्यूज में था यस बैंक के चलते, यस बैंक को बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस आया, एक तरह से दिवाले होने के कगार पहुंच गई, तो वहां पे जो 81 बॉन्ड होल्डर थे उन सब का पैसा डूब गया। इसके चलते 81 बॉन्ड जो है बहुत ही न्यूज में आया, लेकिन बुरे कारणों से न्यूज में आया। लेकिन अभी अच्छे कारणों से न्यूज में आया है क्योंकि फिर से बहुत सारे बैंक जो है वो 81 बॉन्ड के थ्रू पैसे उगा रहे हैं। तो ये है क्या, पहला स्टेटमेंट, दे आर यूज टू मीट द नॉर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी बाय द बैंक। यहाँ पे एक नॉर्म है इंटरनेशनल बैसल कह लीजिए, बैसल 3 नॉर्म। ये कहता है कि यदि देखिए हर बैंक को ना एक कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए, मतलब जैसे कि 100 रुपये यदि उसका कैपिटल है तो हो सकता है कि वो 500 रुपये तक का लोन दे सके, तो यदि ये 90 रुपये हो जाएगा तो केवल 450 दे पाएंगे, तो उसको एक लिमिट से कम कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो ये जो है 81 बॉन्ड से जो पैसा उगाते हैं वो कैपिटल में जुड़ जाता है, उसको माना जाता है बैसल 3 नॉर्म के अनुसार कि वो कैपिटल एडिक्वेसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके चलते बहुत पॉपुलर होता है क्योंकि आपको इक्विटी नहीं बढ़ानी पड़ती है। आप एक तरीका है इक्विटी करें तब तो कैपिटल बढ़ेगा ही, लेकिन उसका बहुत सारा और खामियाजा है कि आपको लोगों को एक तरह से कंपनी का मालिक बनाना पड़ता है जिसको भी इक्विटी देते हैं। लेकिन 81 बॉन्ड तो एक तरह का ऋण है, ऋण में तो आप मालिक बनाते नहीं है और उसकी देनदारी का कोई इंश्योरेंस भी नहीं होता, मतलब कमिटमेंट भी नहीं होता, और सबसे लोएस्ट पैदान पे रखा जाता है, बहुत रिस्की होता है, इसलिए इसको बहुत पॉपुलर है, ये कैपिटल एडिक्वेसी के लिए यूज करते हैं, तो ट्रू है। दे आर अनसिक्योर्ड एंड परपेचुअल लोन इन नेचर। देखिए ये एक तो अनसिक्योर्ड है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, यदि कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूबा, और परपेचुअल नेचर, इसका कोई टेन्योर नहीं होता कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए, इसका कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं है, कभी भी आप निकाल सकते हैं। Among all the other debt instrument, these are given last priority in payment commitment. Last priority, जब equity holder को bonus दे दिया, dividend दे दिया, और bond holder को पैसा दे दिया, convertible debentures को दे दिया, preferential share को दे दिया, तब जो है last में जो है इसका number आता है। तो इसको क्यों लोग लेते हैं, क्योंकि ये बहुत high return देता है, जान लीजिए high risk high return, तो इसलिए कंपनी या और भी लोग इसमें जिसके पास पैसा है और जो रिस्क ले सकते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये ज्यादा रिस्क है, हाई रिटर्न हाई रिस्क, मोर रिटर्न मोर रिस्क, लेस रिटर्न लेस रिस्क, यही है और सभी इसमें ट्रू है। अब इसको जंबल्ड करके जो है वो आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा, आपको 1, 3, 4, 2, 3 और कुछ कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, बैसल 3 को भी घुसा दिया जाएगा एंड यस बैंक को भी ले आया जाएगा, इस तरह से उसको कठिन बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप इतनी बातें जानते हैं और थोड़ा बहुत और नेट पे जाके पढ़ लीजिए तो आप इसको टैकल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे जो भी स्टूडेंट या जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, यदि वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीकली करंट अफेयर में उनके लिए एक अलग से सेक्शन पे डिस्कस करें, जिससे कि वो इफेक्टिवली तैयार हो सके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए, और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी उनका बेस को स्ट्रांग करेगा। आपको पता है कि उन्हीं से जो है क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, आपको थैंक्स देने के साथ। सो यदि ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लाइक भी करें, ऑफ कोर्स मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। और यदि अभी तक आपने ये गाइड नहीं लिया है DUET के लिए, या 1500 MCQ नहीं लिया है, या UGC नेट गाइड, तो अभी तुरंत जाके ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए गए हैं। ओके, विदा, अगले वीक के लिए फिर मिलेंगे वीकली करंट अफेयर में।